लाडवा किशरी अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित लाडवा पिपली मार्ग पर स्थित बाबा बंसी वाले वृद्ध आश्रम में हरियाणा के उद्योग मंत्री विपिन गोयल का जोरदार स्वागत किया गया। लाडवा बाबा बंसी वाले वृद्ध आश्रम में पहुंचे हरियाणा के उद्योग मंत्री विपिन गोयल, जिसको लेकर अग्रवाल समाज के लोगों ने अग्रवाल सभा के माध्यम से उनका लाडवा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम विपिन गोयल द्वारा महाराज अग्रसेन व माता लक्ष्मी के चित्र के आगे दीप जलाकर उनको नमस्कार किया। उसके बाद श्री अग्रवाल सभा लाडवा द्वारा उनके सामने कुछ अपने समाज के उत्थान के लिए मांगे रखी गई। वहीं लाडवा हल्के के विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि लाडवा की श्री अग्रवाल सभा जल्द ही कोई अपने भवन के लिए जमीन का इंतजाम करे। सरकार की ओर से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की लागत से भवन के बनवाने की जिम्मेवारी उनकी है। वहीं विपिन गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि अग्रवाल समाज हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। वहीं उन्होंने भाजपा की तारीफ करते हुए कहा कि लगभग 1 महीने बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज किसी भी प्रकार से मोहताज नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जो अग्रवाल समाज के द्वारा उन्हें मांगे बताई गई हैं, वह जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद लाडवा की अग्रवाल सभा द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुमित बंसल, अमन सिंगला, पवन बंसल, वेद प्रकाश सिंगल, अशोक गुप्ता, विकास सिंगल सहित भाजपा व समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं आपकी भाषा में बताना चाहता हूँ, मैं चक्रवर्ती ब्याज के लिए उतार गांव का जिक्र मैंने बैलोपुर में आपके समक्ष रखा। ये बहुत ही पुराना शहर है लाडवा। 1976 के अंदर कुरुक्षेत्र जिला बना, लेकिन 1976 से पहले ये लाडवा एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी और यहाँ राजा अजीत सिंह जी यहाँ के राजा हुए और बड़ी ऐतिहासिक नगरी लाडवा है, जहाँ गुरुदेव बहादुर जी जिन्होंने शीशगंज गुरुद्वारे इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर अपने शीश का जो दान दिया था, शीश का बलिदान दिया था, जिनका शीश लेकर के आए थे, वो लाडवा में रुके थे जैतो भाई। ऐसी ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन इस इलाके पर बहुत से बड़े बड़े, मैं शंभु धुरंधर कह सकता हूँ, जिन्होंने इस इलाके का रत्ती भर भी विकास न किया, लेकिन अपना विकास करने उन्होंने कसर नहीं छोड़ा। मैं कह सकता हूँ 2.5 एकड़ के मालिक आज शासन बनने में उन्होंने कोठियां बना ली, लेकिन लाडवे की कभी सुध नहीं ली और लाडवे से छोटी तस्वीर बनकर के रह गया। लेकिन मुझे अपनी सेवा करने का मौका सवाल दे दिया, आज लाडवा बड़े तहसील बने। जिले के अंदर केवल यही विधानसभा क्षेत्र बचा था लाडवा, जहाँ सब डिविजन नहीं थी, लाडवा सब डिविजन बने और सिंगरे मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर यहाँ पर जुडिशरी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर जमीन बैठने का काम करेगा। समाज बहुत बड़ा है, यहाँ मैं धोनी प्रसार के मांगूंगा और इस अग्रवाल समाज को लाने के लिए इस तरीके की बात हमें पवन जी ने कही। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहते, ये कोई अपना अभिनंदन नहीं जमाना चाहते, किसी भी पंचायत की जमीन जो अच्छी लोकेशन की हो, अगर वही जमीन और आधा एकड़ मिल जाएगी तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करके सामुदायिक भवन अग्रवाल समाज बना देगा। आप
तो इसमें किसी भी पंचायत से रेजोल्यूशन कराते नहीं हो जाए। तो मित्रों क्योंकि अग्रवाल समाज या वैश्विक समाज कोई जाति नहीं है, ये एक संस्कृति है। क्योंकि पहले से जो परमाणु प्रांति कांग्रेस ने दिल्ली में महाराजा भगत पैदा हुए थे, उनके पुत्र महाराजा अभिषेक, उनकी 35वीं पीढ़ी के अंदर हमारी उत्पत्ति हुई थी। हम पीएनए से तो सुबह बच्चे हैं, लेकिन संस्कृति एक व्यवस्था का काम अग्रवाल समाज कर रहा। हम लोग अच्छे तरीके से बताओ हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। महाराजा अभिषेक